हाँ जी बेटा, सो क्वांटम मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट चल रही है। सो आज हम बात करेंगे ग्रुप वेलोसिटी एंड उसका रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेव वेक्टर्स। तो इसके रिगार्डिंग पहले ही दो लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुका हूँ बेटा, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी थी, व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, फेज वेलोसिटी क्या होती है और उसका बेसिक रिलेशन क्या होता है। तो वो चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट लाइक हमने पढ़ चुके हैं कि फेज वेलोसिटी जो होती है ओमेगा बाय के साथ डिनोट की जाती है, और ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो डी ओमेगा बाय डी के साथ नोट की जाती है। लेकिन कई बार होता है कि एमसीक्यू जो अगर आपको एग्जाम वगैरह में आते हैं वो डायरेक्टली ऐसे नहीं आते, इनफॉर्म्स में नहीं आते। कई बार आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन पूछ लिया जाता है, कई बार आपको वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन दे रखे होते हैं, कई बार आपको वेव वेक्टर के साथ जाना पड़ता है। तो कई काफी सारे आपको रिलेशन यहाँ पे यूज करने के लिए मिल जाते हैं। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट आर कल जो लेक्चर है इसके रिलेशन में आएगा। तो जस्ट लाइक मैं आपको पहले एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। कैलकुलेट द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इन ग्लास फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एट ए गिवन वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन है कि ग्रुप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिसके लिए वेवलेंथ बता रखी हुई है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, बताया नहीं गया है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.5 होता है, और एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ का फंक्शन दे रखा है। तो उसके लिए हमने ग्रुप ऑफ वेलोसिटी निकालनी है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ रखा है दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। तो ओमेगा बाय के का रिलेशन यहाँ पे कहीं भी नहीं दे रखा है। तो ओमेगा का रिलेशन मतलब डिस्पर्शन रिलेशन हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। ओमेगा इज नॉट रिटन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेव वेक्टर है, तो ये वाला रिलेशन यहाँ पे वैलिड नहीं है। रादर देन दैट हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ है। तो ये चीज हमें ढूंढनी पड़ेगी इनको कैसे इंटरप्रेट करना है। तो जरूरी नहीं है जो आपको बुक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है उसके विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन आएंगे। तो वे लॉट मेनी टाइम्स आपको ऐसी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं जो आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती, आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है बेटा। तो सबसे पहला रिलेशन जो हम यहाँ पे यूज करने की कोशिश करते हैं, तीन चार रिलेशन है बेसिक रिलेशन जो हम यहाँ पे यूज करते हैं बेटा। तो पहला रिलेशन जो मैंने लास्ट लास्ट टू लास्ट टाइम बता रखा है कि आपके पास ग्रुप वेलोसिटी जो होती है वो फेज वेलोसिटी एंड वेव वेक्टर का अगर रिलेशन ढूंढने जाओगे तो वो इस फॉर्मुलेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है। दूसरा रिलेशन, अगर ग्रुप वेलोसिटी जो है वेवलेंथ की टर्म में दे रखी होती है, तो पहला रिलेशन जो है मैंने आपको दिखा रखा है कि अगर फेज वेलोसिटी आपके पास दे रखी होती है कि वेव वेक्टर के रिलेशन में है, मतलब आपको जो ग्रुप क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है कि फेज वेलोसिटी इज रिटन इन टर्म्स ऑफ समथिंग लाइक के स्क्वायर, बोल लीजिए ए के स्क्वायर की फॉर्म में दे दिया, अगर आपको ऐसा रिलेशन पता है तो आप ये वाला फॉर्मुलेशन यूज करोगे। मतलब फेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर, मतलब ये वाला डेरिवेटिव आप वहां पे सॉल्व करोगे तब जाके आपकी ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन निकलेगा, ठीक है जी। तो अगर आपके एग्जाम में ये वाला रिलेशन नहीं निकला हुआ है, मतलब ये वाला डिस्पर्शन रिलेशन नहीं दे रखा है, रादर देन दैट अगर फेज वेलोसिटी इज गिवन लाइक ए बाय लैम्डा स्क्वायर, ऐसा कोई रिलेशन आपको एग्जाम में दे दिया गया तो वहां से आपको पूछा गया कि ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है, तो आप ये वाला रिलेशन यूज करोगे। इसको कॉरस्पॉन्ड करता है समथिंग लाइक दिस थिंग कि फेज वेलोसिटी इज गिवन इन रिलेशन टू वेवलेंथ। तो तीसरा रिलेशन यहाँ पे दे रखा हुआ है बेटा कि आपके पास फेज वेलोसिटी का भी कंसेप्ट डायरेक्टली नहीं दे रखा हुआ है आपको, रादर देन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन दे रखा है, मतलब समथिंग लाइक लैम्डा इज गिवन बाय 1/λ4 प्लस समथिंग दे रखा हुआ है। तो आपके पास ये वाला रिलेशन जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गवर्न इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो रादर देन दैट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वेवलेंथ नहीं है, यहाँ पे आपके पास दे रखा हुआ ओमेगा, समथिंग लाइक ओमेगा स्क्वायर का रिलेशन दे दिया, ऐसा कोई रिलेशन आ गया तो आप ये वाला फॉर्मुलेशन बेटा यूज करते हो। अगर उसके अदर देन दैट अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो आपका ये वाला फॉर्मुलेशन का यूज किया जाता है। तो तीन चार तरह के अलग अलग फॉर्मुलेशन है जो आप इंप्लीमेंट करोगे। आपको आपने देखना है कि आपका रिलेशन जो है, जो आपको डिस्पर्शन रिलेशन दे रखा हुआ है, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ और इट इज इन द टर्म ऑफ वेव वेक्टर, और आपके पास या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन दे दिया गया तो या फिर ओमेगा का रिलेशन दे दिया गया, तो कैसा आपको पास इन जो इनपुट आपके पास फंक्शन दे रखा है या आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में वो कैसी दे रखी है, उसके हिसाब से आप फॉर्मुलेट करोगे कि अपने चारों में से कौन सा रिलेशन यहाँ पे यूज करना है। तो ये चीज अपने माइंड में रखिए, ठीक है जी। तो चार अलग अलग तरह के फॉर्मुलेशन हो गए, दो हो गए यहाँ पे ग्रुप फेज वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग के फेज वेलोसिटी का रिलेशन दे रखा है, तो आप पहले दो में से एक यूज करोगे, अगर या फिर नेक्स्ट वाले दो जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जाओगे, मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन दे रखा है तो लास्ट में दो में से एक चूज करोगे, अगर फेज वेलोसिटी का रिलेशन है तो पहले दो में से एक चूज करोगे, ठीक है जी।
तो चार ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, चारों में से कोई ना कोई रिलेशन आपको यूज करना पड़ेगा अगर फेज वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी की कैलकुलेशन आ जाती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, जैसे मैंने आपको बता दिया हुआ पहले कि चारों में से एक यूज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस थिंग। चलिए देखते हैं, तो फॉर वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ दे रखी हुई है, रिलेशन दे रखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज है कि आपके पास डिस्पर्शन रिलेशन किसका है, मतलब एन वर्सेज लेमडा है, मतलब आप कहां से क्या निकाल सकते हो, डी एन बाय डी लेमडा कैलकुलेट करोगे बेटा। डी एन बाय डी लेमडा कहां से निकलेगा बेटा, फोर्थ वाले ऑप्शन से निकलेगा, पहले तीनों में डी एन बाय डी लेमडा आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। अगर करना चाहते हो तो वहां से आपको कन्वर्जन फैक्टर लगाने पड़ेंगे, तो वो मैं आपको भी बताऊंगा कन्वर्जन फैक्टर लगाने कैसे होते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली इन फॉर्मुलेशंस को रिमेंबर रख सकते हो दैट इज वेल एंड गुड, अगर नहीं रिमेंबर रख सकते तो आपको एग्जाम में ड्राइव करना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं डिस्पर्शन रिलेशन के साथ। पहला डिस्पर्शन रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, इसको आप डायरेक्टली रिमेंबर रखते हो, आप इसको ड्राइव कैसे कर सकते हो, फेज वेलोसिटी होती है बेटा ओमेगा बाय के साथ, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है बेटा डी ओमेगा बाय डी के साथ, वहां से आप यहाँ के ओमेगा का रिलेशन निकाल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू के टाइम्स वी ऑफ पी, वहां से निकाल के इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए और ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन आपके पास आ जाएगा। अगर डेरिवेटिव लोगे तो यही रिलेशन एंड ऑफ द डे निकलेगा। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये प्लस टू का बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप एग्जाम में इंक्लूड करते हो बेटा, ठीक है जी। प्लस टू लेवल का कॉम्पिटिशन है, वहां पे ऐसे न्यूमेरिकल वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए ठीक है जी, तो पहला रिलेशन जो हमने यहाँ पे बेसिक रिलेशन यूज करना है, उसको यूज करने के बाद आप क्या निकालने की कोशिश करोगे, सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन क्या है, फेज वेलोसिटी। अगर आपको फेज वेलोसिटी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ वेव वेक्टर, तो ये पहला रिलेशन हो गया। अब इसमें से दूसरा रिलेशन कैसे निकाल सकते हो, दूसरा रिलेशन निकालने के लिए फंक्शन ऑफ लैम्डा निकालोगे आप, ठीक है जी। दूसरा रिलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेव वेक्टर को वेवलेंथ की टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो वेव वेक्टर क्या होता है बेटा, इट इज गिवन बाय 2 पाई बाय लैम्डा के साथ आप इसको रिलेट करते हो, एक्स को रिलेट करोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे, जो डेरिवेटिव टर्म है डेरिवेटिव वाली टर्म में 2 पाई बाय लैम्डा को चेंज कर दोगे के साथ, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो ये वाला रिलेशन, ठीक है जी। तो ये इजी है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, तीसरा रिलेशन आता है, जस्ट लाइक एन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है बेटा। अब हमारी बात आ जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सी लिखने जाओगे, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम, ये सिंपल सा रिलेशन होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन दी मीडियम यहाँ पे क्या लिखोगे, फेज वेलोसिटी के साथ जाओगे, तो इट विल बी गिवन लाइक दिस। अगर आप यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करोगे फेज, यहाँ पे क्या रखा है, फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी को कैसे लिखते हो, ओमेगा डिवाइडेड बाय के। अब हमने निकालना क्या है, एन इज इन रिलेशन टू ओमेगा, तो ओमेगा के साथ ही जाएंगे हम, जो हमारे पास सिंपल सा रिलेशन बनेगा। तो हमारे पास एंड ऑफ द डे बना क्या, इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ के, इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ से क्या निकालोगे, के की वैल्यू ये हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे, जो ग्रुप वेलोसिटी होती है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, डी ओमेगा बाय डी के, तो हमारे पास क्या निकलेगा, के को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, के को चेंज करोगे मतलब वेव वेक्टर को चेंज करोगे, तो आपके पास इट विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ एन एंड ओमेगा ओनली। तो यहाँ पे ये वाली चीज आप सॉल्व करने जाओगे, हमें निकालना क्या है, एन वर्सेज ओमेगा, तो यही चीजें हमें तो चाहिए थी, वेव वेक्टर हम यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। तो इसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाइए, बेसिक मैथमेटिक्स है, आप हाथ से सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको सॉल्व करोगे वन बाय वन, तो एंड ऑफ द डे आपके पास ये वाले रिलेशन निकल के आ जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ वेव वेक्टर को बार बार यूज करना पड़ेगा, सो दैट कि हमारा वेव वेक्टर कहीं पे भी इन्वॉल्व ना हो, वेव वेक्टर को ओमेगा की टर्म में आप चेंज करते जाइए, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में आप लिखते जाइए, तो एंड ऑफ द डे आपके पास ये वाला रिलेशन निकल के आ जाएगा। इसको आप डायरेक्टली रिमेंबर रखोगे तो फार फार बेटर रहेगा। कई बार रिलेशन होता है, ये बार एग्जाम में आपको डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि आपको न्यूमेरिकली आएंगे, रादर देन दैट आपको डायरेक्टली भी ये रिलेशन पूछ लिए जाते हैं, बिकॉज दीज आर डेरिवेशंस फ्रॉम दी सिंपल फार्मूला। तो सिंपल फार्मूला से डायरेक्ट डेरिवेशन आपको करनी पड़ सकती है, तो ये रादर देन दैट अगर आप इसको, आपको डायरेक्टली पता होगा कि ये रिलेशन ऐसे वैलिड होते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली भी एग्जाम में कोट करके अपना टाइम बचा सकते हो। इसके बाद हमारे पास एक और भी ऑप्शन होती है, जैसे मैंने आपको बताया रखा है, तो पहले क्या था, n इज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा, नाउ n इज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा, तो हमने इसको लैम्डा की फॉर्म में भी लिखना है, रादर देन दैट पहले हमने क्या निकाला था, यहाँ पे सिंपल फॉर्मुलेशन आएंगे, जो पहले वाला रिलेशन यूज करोगे
जो वेवलेंथ की टर्म में दे रखा हुआ है, ठीक है जी। तो उसको हम यूज करके निकालने की कोशिश करेंगे फेज वेलोसिटी। यहाँ पे हमने क्या निकालना है, जो फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी की जगह हम यहाँ पे ये इनपुट करने की कोशिश करेंगे। फेज वेलोसिटी को रिप्लेस करोगे सी डिवाइडेड बाय एन के साथ, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पे सॉल्व करते करते आप इसको लेके चल सकते हो। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एंड कहाँ पे करना है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी सारा तो बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा, ठीक है जी। तो यहाँ पे यूज होगा फेज वेलोसिटी गिवन बाय सी डिवाइडेड बाय एन का कांसेप्ट। जहां पे भी फेज वेलोसिटी दिखे वहां पे सी डिवाइडेड बाय एन के साथ जाना है आपने। तो एंड ऑफ द डे क्या आएगा, फेज वेलोसिटी विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ ग्रुप वेलोसिटी एंड जो रिलेशन आपका बनेगा दैट विल बी डी एन बाय डी लैम्डा। ज्यादा डिटेल में मैं जा नहीं रहा, बेसिक मैथमेटिक्स से आप कर सकते हो, ग्रुप में यूट्यूब लेक्चर में आपको दिख जाएगी, आप हाथ से सॉल्व करके देख सकते हो वेदर दीज रिलेशंस आर वैलिड और नॉट। तो तीन चार तरह के मैंने आपको यहाँ पे वेरिएशंस दिखा दिए, ये एग्जाम में आपको डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। अब जैसे देखिए, अब बेसिक एग्जांपल दे रखी है यहाँ पे, जो मैंने आपको बता रखा है कि आपके पास वेवलेंथ पता है, आपको आपके पास एन इज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ दे रखा है, दोनों चीजें पता है, तो आप इस रिलेशन को कैसे यूज करोगे। लैम्डा पता चल गया, डी एन बाई डी लैम्डा पता चल गया, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पता चल गया, फेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ से निकल आएगी। कैसे निकलेगी वो हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने बेसिक रिलेशन यूज कर लिया, चारों चारों में से एक यूज करना है। यहाँ पे हमें पता है कौन सा यूज करेंगे, हमें बेसिक जो डिस्पर्शन रिलेशन है वो दे रखा है। यहाँ पे डी एन बाई डी लैम्डा निकालोगे, इसको यहाँ से यही कैलकुलेट करना है हमने। डी एन बाई डी लैम्डा कैलकुलेट करोगे, उसकी वैल्यू इस रिलेशन में डालेंगे, एंड एंड ऑफ दी डे हमारे पास क्या बनेगा, ये रिलेशन यहाँ तक पहुंच जाएगा। जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें यहाँ पे एन की वैल्यू नहीं बता रखी है, जैसे हमने हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे सिंपली बता रखा है कि ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमने यूज करना है। तो ग्लास का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 होता है बेटा, ठीक है। वाटर का 1.3 के आसपास होता है, ग्लास का 1.5 के आसपास होता है। तो 1.5 हम इसकी फिगर लेके चल सकते हैं। तो एन की वैल्यू यहाँ पे मैंने कोट कर रखी है 1.5, वेवलेंथ निकाल रखी है 500 नैनोमीटर, वेवलेंथ जो हमारे पास दे रखी है दैट इज वेवलेंथ जो है दैट इज 500 नैनोमीटर है। 500 नैनोमीटर कितना होता है 10^-9 मीटर के साथ जाएंगे। तो ये वाला रिलेशन मैंने यहाँ पे डाल रखा है, इसको आप इंप्लीमेंट करके फाइनल आंसर बना सकते हैं। अब बात आ गई फेज वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी क्या होती है, फेज वेलोसिटी सी डिवाइडेड बाय एन के साथ जाएंगे आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है, तो उसके रिलेशन को आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा ग्रुप वेलोसिटी इज गिवन बाय 1.62 × 10^8 m/s। तो फेज वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी, फेज वेलोसिटी वाज समथिंग लाइक 2 × 10^8 m/s। तो अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लीजिए, हो सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्टली ना पूछा जाए, आपको ये पूछ लिया जाए कि ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन फेज वेलोसिटी और नॉट, ग्रुप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी फेज वेलोसिटी और नॉट। तो तीन चार तरह के आपको रिलेशन देके पूछ लिया जा सकता है कि क्लास में क्या हो सकता है कि ग्रुप वेलोसिटी ज्यादा होगी, फेज वेलोसिटी से कम होगी, इक्वल टू होगी, लेस देन इक्वल टू होगी, ऐसे तीन चार रिलेशन आपको पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है जी। उनमें से आप ये वाला रिलेशन वैलिड होगा कि ग्लास में ग्रुप वेलोसिटी जो होती है फेज वेलोसिटी से कम होती है, ये भी आप रिमेंबर रख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैंने चार फॉर्मुलेशन दिए वहां से आप अंदाजा लगा भी सकते हो कि आपके पास कौन कौन से डिस्पर्शन रिलेशन है, तो कौन कौन से रिजल्ट आपके पास बनेंगे, ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग ये वाला आज का न्यूमेरिकल आप ऐसे सॉल्व करते हैं। नॉट ओनली दिस न्यूमेरिकल, अगर आपके पास तीन और कोई और तरह का न्यूमेरिकल भी आ जाता है रादर देन एन इनटू इन रिलेशन टू लैम्डा, तो वो भी आप यहाँ पे सॉल्व करो पाओगे। चार रिलेशन अलग अलग मैंने सिखा दिया आपको, जो भी आता है एग्जाम में उसके रिलेवेंट आप सॉल्व करके एग्जाम में अपने मार्क्स वगैरह स्कोर कर सकते हो। वेदर इट इज इन रिलेशन टू वेव वेक्टर, वेदर इट इज इन रिलेशन टू लैम्डा, और या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन आ गया तो भी आप सॉल्व कर पाओगे डायरेक्टली। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है जी। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, ऐसे न्यूमेरिकल लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।